हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। मीन जो किडनी फंक्शन करती है, मीन किडनी का मेन फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो किडनी का फंक्शन जो है किस तरह से कंट्रोल्ड है, कौन उसको कंट्रोल करता है, यूरिन की फॉर्मेशन कम या ज्यादा होना किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम सबसे पहले इसमें करते हैं बाय एडीएच। व्हाट इज एडीएच? इट इज अ हार्मोन दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एक हार्मोन है। तो ये किस तरह से कंट्रोल करेगा किडनी की फंक्शनिंग को? अब दो कंडीशंस आप इसमें याद रखेंगे। फर्स्ट कंडीशन, इफ द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड इंक्रीजेस। अब मान लो आपकी जो फ्लूइड इनटेक है वो काफी ज्यादा है, तो आपका जो ये जो भी वाटर होता है ये क्या होता है, आपके बॉडी फ्लूइड्स में ऐड हो जाता है। अब नॉर्मल है जो आपके बॉडी फ्लूइड्स में जो वॉल्यूम है वाटर का, तो वो वाटर बढ़ने की वजह से, वाटर ऐड होने की वजह से जो वॉल्यूम हो जाती है बॉडी फ्लूइड्स की, वो ज्यादा हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स, ऑस्मो मतलब जो ऑस्मोटिक कंडीशंस होती हैं आपके ब्लड की, वो कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं हमारी ब्लड वेसल्स पे, वो सेंड करते हैं सिग्नल्स टू पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को सिग्नल सिक्रीट कर सेंड करते हैं टू स्टॉप सिक्रीशन ऑफ एडीएच, क्योंकि एडीएच इज सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी, ताकि वो एडीएच की सिक्रीशन को बंद करे। अब एडीएच की सिक्रीशन अगर कम हो गई, लेवल जो है लोअरिंग हो गया, इस हार्मोन का लेवल कम हो गया, इट लोअर्स द परमेबिलिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, अगर ये सिक्रीट नहीं होगा तो क्या होगा, परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट जो है वो चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी। परमेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इट लोअर्स द परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी कम हो गई तो क्या होगा, रीअब्सॉर्ब नहीं होगा वाटर, सो लेस रीअब्सॉर्प्शन इज देयर। रीअब्सॉर्प्शन का मतलब था कि ट्यूब्यूल से निकल के ब्लड में ऐड हो जाना, कैपिलरीज के पास चले जाना, ब्लड में चले जाना। तो इनकी रीअब्सॉर्प्शन जब डीसीटी की और कलेक्टिंग डक्ट की कम हो जाएगी तो रीअब्सॉर्प्शन भी कम होगी। रीअब्सॉर्प्शन कम हुई तो इट मीन फिल्ट्रेट में जो आगे पास होके जा रहा है ट्यूब्यूल्स में से फिल्ट्रेट, उसमें वाटर का अमाउंट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा, मोर फिल्ट्रेशन। मोर फिल्ट्रेशन क्यों? क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स का अमाउंट जब ज्यादा हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब ये स्टेप वाइज है, मोर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन तो बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन रीअब्सॉर्प्शन क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसकी वजह से जो फाइनल यूरिन बनेगा उसका अमाउंट बहुत ही ज्यादा होगा, ब्रिंग्स इट टू नॉर्मल। मीन्स कि इतना ज्यादा यूरिन की फॉर्मेशन, यूरिन में इतना ज्यादा जो वाटर है वो एक्सक्रीट किया जाएगा ताकि बॉडी फ्लूइड्स में वाटर की कंपोजिशन जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो ये तो था किस तरह से, पहली कंडीशन थी कि अगर बॉडी फ्लूइड्स का अमाउंट ज्यादा हो जाए। अब मान लो शॉर्टेज, दूसरी कंडीशन है वाटर की शॉर्टेज है, आपने पानी ही नहीं पिया है सारा दिन से, दो दिन से आपको पानी जो है कम अमाउंट में अवेलेबल होता जा रहा है, तो क्या कंडीशन आएगी, तो बॉडी फ्लूइड्स का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किस वजह से हुआ, या तो स्वेटिंग हो रही थी या आपने फ्लूइड इनटेक कम कर रखी थी, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर जब भी कम होगा ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को टू सिक्रीट एडीएच। अब एडीएच कब सिक्रीट हो गया ये आपने याद रखना है, जब भी बॉडी फ्लूइड्स का अमाउंट कम हो जाएगा, वाटर की कमी होगी, तब एडीएच सिक्रीट होगा। जब एडीएच सिक्रीट होगा तो ये परमेबिलिटी, इन दोनों की जो परमेबिलिटी है इसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब परमेबिलिटी बढ़ गई तो रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा बढ़ गई, रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा बढ़ गई तो यूरिन कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, कॉन्सेंट्रेटेड एंड इन लेस अमाउंट। लेस अमाउंट क्यों? क्योंकि अब वॉटर को प्रिजर्व करके रखना है। तो एक तो कंट्रोल था ये बाई एडीएच। अब नेक्स्ट कंट्रोल किस तरह से होता है, एक और कंट्रोल है इसका, नेक्स्ट है बाई जेजीए। आपको पहले भी ये बताया था व्हाट इज जेजीए, दैट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। कई स्टूडेंट्स के डाउट हैं कि ये क्या है,
ये एपरेटस क्या है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम जो है बना रखा है नेफ्रॉन का वो बता देती हूँ। एक्चुअल में जो हम नेफ्रॉन का डायग्राम बनाते हैं एग्जैक्टली वो डायग्राम उसी तरह से नहीं होता है। ये हाईली कॉइल्ड पोजीशंस में होते हैं और इनके काफ़ी सारे पार्ट्स जो हैं नेफ्रॉन के एक दूसरे के साथ जो है अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि इस पार्ट में ये अफरेंट आर्ट्रियोल है और ये इफेरेंट आर्ट्रियोल है, ये ग्लोमेरुलस है और ये बोमन कैप्सूल है। आप देख रहे हैं ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है और यहाँ पे जाके जो डीसीटी है, डीसीटी का एक पार्ट से इसके जो एक पार्ट जो है टच हो रहा है अफेरेंट आर्ट्रियोल से। तो इसकी जो सारी सेल्स हैं जो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है यही बनाती हैं JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये वो सेल्स होती हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं और एफरेंट आर्ट्रियोल में ब्लड का कितना प्रेशर है उसको ये सेंस कर लेती हैं। ब्लड प्रेशर कम है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है इसको ये सेंस करती हैं, फिर ये अपना आगे का मैकेनिज्म करती हैं किस तरह से ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया जा सकता है। अब कैसे किया जाएगा ये अभी आपको बताते हैं। अब आता है जेजीए की बात हम कर रहे हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। इट इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय द सेल्स ऑफ डीसीटी एंड एफरेंट आर्ट्रियोल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां पे ये कॉन्टेक्ट करते हैं। जेजी जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, ये सेंसिटिव होती हैं जब भी इनको ब्लड प्रेशर में कोई चेंज लगता है कि ब्लड प्रेशर में कोई चेंज आ रहा है। मान लो ब्लड प्रेशर जो है क्या हो गया है, कम हो गया है, ब्लड प्रेशर कम है, तो ये क्या करेंगी, एक एंजाइम जो है सिक्रीट करेंगी, दैट इज रेनिन। ये रेनिन एंजाइम का क्या काम है, जो हमारे प्लाज्मा के अंदर जो है, जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होता है एंजियोटेंसिनोजन, इसको जो है रेनिन किसमें कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन 1। एंड फर्दर जो एंजियोटेंसिन 1 है इट इज कन्वर्टेड इंटू एंजियोटेंसिन 2। अब वट इज द, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंजियोटेंसिन 2। इसके दो फंक्शन है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इट इज अ पावरफुल वासो कॉन्स्ट्रिक्टर, वासो कॉन्स्ट्रिक्टर जो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे, उनके ल्यूमन को छोटा कर दे। अब ल्यूमन अफेरेंट आर्ट्रियोल का ल्यूमन छोटा हो जाएगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इट इंक्रीजेज द GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर वहाँ पे हमने बताया था क्या हो रहा था, कम हो रहा, तो ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया। दूसरा इसका काम है ये एड्रीनल ग्लैंड। अब ये एड्रीनल ग्लैंड क्या है, जब आपको किडनी का स्ट्रक्चर बताया गया था तो उसके ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट था, दैट इज नोन एज एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है ताकि ये सिक्रीट करे एक हॉर्मोन एल्डोस्टीरोन। एल्डोस्टीरोन क्या करेगा, एल्डोस्टीरोन जो है जो डिस्टल पार्ट है, मीन डीसीटी है, उससे रीअब्सॉर्प्शन को क्या कर देगा, रीअब्सॉर्प्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो वॉटर है वो रीअब्सॉर्ब होना, बहुत ही ज़्यादा रीअब्सॉर्प्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। रीअब्सॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ब्लड प्रेशर कम क्यों हुआ था, कि उसमें वाटर का अमाउंट कम था जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हुआ था। अब रीअब्सॉर्प्शन वाटर की बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो बहुत सारा वाटर जो है आपके जो ब्लड है प्लाज्मा में जितना रिक्वायर्ड है उतना ऐड हो जाएगा। इन दोनों की वजह से दो फंक्शन हुए, ज़्यादा रीअब्सॉर्प्शन हुई वाटर की और फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी जो पूरा हुआ है वो इंक्रीज हो गया। तो ये दो मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है ब्लड प्रेशर को अगर वो कम हुआ है तो इंक्रीज कर देगा। ठीक है, बढ़ जाएगा काफ़ी देर तक। क्यों, अब ऐसा नहीं है कि बढ़ा क्यों, नॉर्मल क्यों नहीं हुआ, पहले तो बढ़ेगा जब तक कि जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनमें जो भी कंपोनेंट्स है वो नॉर्मल अमाउंट तक नहीं आ जाते जब तक तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब इस मैकेनिज्म को हम कई बार RAAS भी कहते हैं। RAAS क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टीरोन सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या करता है, ये
कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को और रेगुलेशन करता है ब्लड प्रेशर की। अब मान लो अब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया। अब ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा देर तक बढ़ना भी नहीं चाहिए, नॉर्मल पे आ जाना चाहिए, तो इसको नॉर्मल में कौन करेगा? एक स्पेशल फैक्टर है जिसको बोलते हैं एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ये एक ऐसा फैक्टर है जो हार्ट जो है वो सिक्रेट करता है। अब क्या होगा, हमें पता लगा ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ गया, इंक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड टू एट्रिया, एट्रिया में बहुत ही ज़्यादा जो है प्रेशर से ब्लड आने लग गया, तो हार्ट रिलीज करेगा इस फैक्टर को। ये फैक्टर क्या करेगा, वासो डायलेशन, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा ताकि ब्लड जो प्रेशर है वो नॉर्मल पे आ जाए। इट मीन्स इसने उसके एंटी काम किया, वहां पे हुई थी वासो कॉन्स्ट्रिक्शन, यहां हो गई वासो डायलेशन। तो मीन यहां पे इसने क्या कर दिया, इसको चेक किया। तो इसीलिए कहा जाता है ANF इज ए चेक टू RAAS, ये उसको चेक करता है कि वो ज्यादा देर तक ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं रहना चाहिए, तो उसको नॉर्मल करने का काम करता है ANF। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखा कि किडनी की फंक्शनिंग किस तरह से कंट्रोल की जाती है हमारी बॉडी में, क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि किडनीज का जो मेन काम होता है या जो एक्सक्रीशन है वो किस वजह से होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में, वाटर और आयंस की कंपोजिशन को भी मेंटेन करता है और साथ में ही नाइट्रोजनस वेस्ट को भी रिमूव करता है। तो इस तरह से कंट्रोल होता है फंक्शंस ऑफ किडनी।